नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक 42 गज का चकोर कॉर्नर का प्लॉट लेके आया हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घर पे रहें और वीडियो ज़रूर देखें लेकिन बाहर ना निकलें, ठीक है। अगर कोई क्वेरी करनी हो, कोई इंक्वायरी करनी हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये जो प्लॉट है वो है 42 गज का, ठीक है, और इसमें भी आपको लेंटर से बना हुआ दो मंजिल का मकान मिल रहा है जिसमें कि हर तरह की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। बस जो छोटी सी चीज़ है वो ये है कि इसमें आपको थोड़ा सा रिनोवेशन का काम करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब चल सकती हैं, 15-20 साल आराम से चलेंगी। तो ये जो प्लॉट है इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि दो रूम हैं, यानी कि दो रूम नीचे हैं, एक लिविंग रूम है, तो यानी अगर तीनों को मिला लें तो तीन रूम नीचे हैं और ऊपर दिया गया है एक बड़ा सा हॉल जिसमें आप जो है कि मतलब बहुत सारे बेड लगा सकते हैं, इतना बड़ा हॉल है, पूरी लेंथ में है। तो ऊपर एक बड़ा सा हॉल है, किचन है, लैट्रिन है, बाथरूम है और ओपन स्पेस है जिसमें आपको वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। लेकिन थोड़ा पुराना सा दिखता है लेकिन है नहीं, क्यों? क्योंकि लेंटर से बना है, रोड से भी 4 फुट ऊँचा है, तो इसीलिए ये घर अगर थोड़ी सी मरम्मत कर दी जाए इसकी तो रहने के लिए बेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये है मदनपुर डबास का बस स्टैंड और जहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और रेड लाइन सारी तरह की बसें चलती हैं DTC की और यहाँ से हर जगह जाती हैं। इधर अगर आप जाएंगे जिधर मैंने कैमरा कर रखा है तो आप चले जाएंगे कराला की तरफ जहाँ से आप रोहिणी और नरेला जा सकते हैं। और इस तरफ आप मुंडका मेट्रो यहाँ से मात्र और मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, आप अपने गाड़ी के कांटे से भी नाप सकते हैं और सामने ही रानीखेड़ा बस स्टैंड है और यहाँ से जा रहा है ये 20 फुट का रोड जो कि आप देख सकते हैं सामने स्कूल है, ठीक है, सामने हीरालाल पब्लिक स्कूल है। आइए अब चलिए प्लॉट की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं प्लॉट की। प्लॉट यहाँ से मात्र मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि घर 1-2 साल से बंद पड़ा हुआ है तो इसीलिए आपको इसमें थोड़ी सी रिनोवेशन करनी पड़ेगी, यानी थोड़ा सा इसमें मरम्मत का काम है इसमें, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से हम मेन रोड से आए हैं और मेन रोड सामने ही है मात्र 100 मीटर की दूरी पर और इधर ये पूरी फुल बसावट है। आप देख सकते हो इधर से भी रास्ता है, इधर से भी आप आगे जाके मेन रोड में जा सकते हो। इसका व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है, चलिए पहले अंदर से एक्सप्लोर करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। जगह बहुत है इसमें, चकोर मकान है 42 गज का। चलिए तो सीढ़ी पे से हमने एंट्री ली और पहला ही हो गया आपका लिविंग रूम। देखिए अभी क्योंकि बंद पड़ा हुआ है काफ़ी लंबे समय से तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी गंदगी सी आपको दिख रही है, ठीक है, और टूट फूट थोड़ी लग रही है, ये झड़ रहा है सारा, आपको थोड़ी सी मरम्मत करानी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पर लिविंग रूम में एंट्री करते ही ये प्रभु की फ़ोटो लगी है, भगवान की, जय श्री राम। और यहाँ पर जो है कि देखिए, तो एंट्री करते ही जो सामने है आपका एक बेडरूम आता है, ये पहला बेडरूम है और इसमें आप देख सकते हो कि जगह पूरी है, ऊपर से तो ठीक है, सीलिंग ठीक है, सीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पेंट वेंट जो है आपको एक बार इसे कराना पड़ेगा, 10-20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो ये रूम है 9 बाई लगभग 10-11 का है, 9 बाई 11 का मान लो आप, ठीक है, पहला बेडरूम हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिविंग रूम से हम देखते हैं स्टेयर्स गई हुई है और ये एक सेकंड बेडरूम है, ये किचन नहीं है, सेकंड बेडरूम है, सेटिंग इन्होंने सही करी हुई है। देखिए ये सेकंड बेडरूम है जिसमें खिड़कियाँ हैं, वेंटिलेशन का भी पूरी व्यवस्था की गई है, उस रूम के लिए भी वेंटिलेशन दी गई है। तो इसकी भी दीवार थोड़ी ख़राब हो रही है, सीलिंग सही है जिससे पता चलता है कि घर ज़्यादा पुराना नहीं है। और खैर कोई रहता नहीं तो आप तो जानते ही होंगे, ये यहाँ पे विंडोज़ हैं और विंडो पूरी दी हुई है और एक डोर भी दिया हुआ है इस तरफ से ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया हमारा नीचे का सेट जो कि आपने देखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका लिविंग रूम, ओके, देखिए यहाँ पे बाहर आप निकल सकते हैं। तो लिविंग रूम यानी बेडरूम एक, बेडरूम दो, फिर यहाँ से सीढ़ियाँ, सीढ़ी से ऊपर चलते हैं। तो सीढ़ी से ऊपर चलते हुए
ये बालकनी है, देखो बालकनी में दीवार थोड़ी ऊंची कर दी है और ये बाथरूम दे दिया आपको, दीवार थोड़ी सी ऊंची करके ये आपको बाथरूम दे दिया, फुल प्राइवेसी दे दी, यहीं पर लैट्रिन भी है जो कि आपको साफ सफाई थोड़ी सी करवानी पड़ेगी। आइए इधर तो लैट्रिन बाथरूम हो गई, इधर आप देख ले, आपने देख ली स्टेयर्स जहाँ से हम आए, और इसके बाद यहाँ पे किचन, यानी पूरा स्पेस दिया है, देखिए किचन है, किचन भी ठीक ठाक है, इसमें जो है कि आपको थोड़ा सा साफ सफाई यानी जैसे मैं बताया ना पेंट करवाना पड़ेगा भाई। इसके इधर आते हैं तो इधर से देखो आप, ये दे रखिए स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए, यानी छत पे जाने के लिए आपको पूरी स्पेस से सीढ़ी दी गई है, अभी चलेंगे लेकिन पहले ये हॉल देख लेते हैं। देखिए ऊपर इन्होंने क्या व्यवस्था बनाई है, बहुत बड़ा रूम दिया है, बहुत बड़ा, आप देख सकते हो कि ये इतना बड़ा रूम है, ठीक है ना, जहाँ पर थोड़ी सी बाथरूम की व्यवस्था दी गई है, और इतना बड़ा जो है कि आपको पूरी लेंथ में, मतलब जो आधा प्लॉट, पूरा प्लॉट है उसका आधा प्लॉट जो कि आपको दिया गया रूम के रूप में। आपको दिखा देता हूँ एक बार और, तो भाई रहने के पर्पज़ से तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वेंटिलेशन का भी अच्छा यहाँ पे मतलब सिस्टम बनाया गया है इस तरफ से भी, और स्पेसियस है काफ़ी, ठीक है ना, यहाँ पे आपका वो हो गया, और सामने देखो हीरालाल पब्लिक स्कूल दिख रहा है आपको। चलिए छत पे चलें, आइए तो छत पे चलते हैं। देखिए छत पे आपको माहौल दिखा देता हूँ कैसा है, ये देख लीजिए, ये आ गए हम छत पर। तो दोस्तों मैं अभी प्रॉपर्टी के छत पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हो हीरालाल पब्लिक स्कूल बगल में ही है और पूरी बसावट के बीच में ये घर, देखिए ये घर पूरी बसावट के बीच में है, ये पड़ता है आपका भाग्य बिहार में मदनपुर बस स्टैंड के पास, और आप देखो इस गली में भी आगे बिल्कुल फुल बसावट है, रोड भी पक्के हैं, बस यहाँ पे थोड़ा कच्चा रोड है वहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ ये मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।